जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी अपडेट आपको देखने को मिल रही है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, सबसे बड़ा अपडेट आपको देखने को मिल रहा है गाइज एनडीए के लिए। एनडीए में अब लड़कियां भी है वो ज्वाइन कर सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो एक रीट लगाई गई थी उसका यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है, और आप जो साइड में स्क्रीन पे देख रहे हैं ऑफिशियली नोटिस जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। तो जो कि आपका मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो समानता है उसके लिए हम बात कर लेते हैं कि जो मेल कैंडिडेट्स जा सकते हैं तो फीमेल कैंडिडेट्स भी इसके अंदर ज्वाइन कर सकती है। तो काफ़ी टाइम के बाद में ये अपडेट आपको देखने को मिल रहा है, बहुत दिनों से इंतजार था इस चीज़ का, और इसके ऊपर रीट लगी हुई थी और रीट का जो रिजल्ट है यहाँ पर जो आ चुका है, और रीट का रिजल्ट यही निकल कर आया है गाइज की मेल कैंडिडेट्स हैं वो भी एनडीए को ज्वाइन कर सकती हैं। और इसके लिए जो भी है यूपीएससी इसका अलग से प्रोसेस और शेड्यूल है वो जारी करेगी, और नवंबर के अंदर जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है वो उसके अंदर भी वो पार्टिसिपेट कर पाएगी। तो उसका जो डेट आपका बढ़ा दिया गया था, मे बी अभी वाला था आपका एग्जामिनेशन आगे आने वाले टाइम सितंबर में। तो गाइस 10+2 लेवल की जो एंट्री मानी जाती है आर्म्स फोर्स के अंदर जाने के लिए, एनडीए के माध्यम से आप इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनते हैं, कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि लिंग के आधार पर समानता दी जाएगी, भेदभाव बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। इसके ऊपर अभी बहुत बड़े सवाल आपके निकल के आ रहे हैं, काफी दिनों से आपका इंतजार था कि हमें भी समानता मिले, हम भी जो लड़कियां थी वो भी चाहती थी कि एनडीए के अंदर हम ज्वाइन करना चाहते हैं, हमें भी अधिकार मिले। तो गाइज वो फाइनली अधिकार आपको मिल चुका है, राइट है वो आपको मिल चुका है, आप भी इसमें अप्लाई कर पाएंगी और आप उसके माध्यम से एनडीए को ज्वाइन कर पाएगी। लेकिन इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा जाएगा यानी एज लिमिट की हम बात करेंगे, और उसके साथ साथ आपको अलग से प्रोसेस शेड्यूल आपका बनेगा ट्रेनिंग के लिए हो, जो आपका और प्रोसेस हो, जैसे भी जिस प्रकार का पूरा प्रोसेस है वो अलग से आपका तैयार किया जाएगा। कोर्ट ने ये ऑर्डर है फाइनली जारी कर दिया है, आप देख सकते हैं, और न्यूज में हालांकि आपने देख भी लिया होगा। और गाइज ये इन्फॉर्मेशन आपको देना था, और इसके ऊपर बहुत सारी अपडेट है। तो गाइज अपडेट ये है कि जो काफी स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर हम एग्जामिनेशन की पहले से तैयारी करें तो हमारी सीट पे फर्क पड़ेगा, यानी वैकेंसी की जो संख्या है वो कम होगी या ज्यादा होगी, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा जो है टेंशन में आने लग गए हैं हमारे जो कैंडिडेट्स हैं। तो गाइज आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एनडीए का एग्जामिनेशन हो फिर उसके एसएसबी हो मेडिकल्स वगैरह वो तो डिपार्टमेंट का काम होता है। फीमेल जो कैंडिडेट्स फीमेल कैंडिडेट्स होंगी उनके लिए एज लिमिट और उनका जो यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस है हाइट का हो या फिर अदर जो भी हो, तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी अपडेट यही है कि एनडीए यानी नेशनल डिफेंस अकेडमी में लड़कों के साथ साथ अब लड़कियां भी जा सकेंगी, ये बहुत बड़ी अपडेट है आज की। और गाइज आप देख सकते हैं, यदि आपको अपडेट अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और आपका क्या फीडबैक है जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट रखिएगा। और गाइज आपने भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले वहीं पर देखने को मिलते हैं, और आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपडेट आपको सही समय पर मिल पाए। जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ।